दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो फ्रेंड्स, टेक्निकल मोबाइल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट जल्दी कंज्यूम हो जाता है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिससे कि आपके मोबाइल में इंटरनेट जल्दी कंज्यूम नहीं करेगा। वो कैसे, आज के वीडियो में फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि किस तरह से हम हमारे मोबाइल में इंटरनेट को कंज्यूम होने से रोकेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेटिंग्स में, क्योंकि यहाँ ही हमें देखने मिलेगी हमारे इंटरनेट की पहली सेटिंग। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ में देखने मिलेगा सर्च बार, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ में सर्च करना है डेटा। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ में बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेगा, आप देख सकते हैं। हमें स्लाइड अप करना है। जैसे आप स्लाइड अप करेंगे तो हमें देखने मिलेगा डेटा यूसेज, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमें डेटा यूसेज देखने मिलेगा, इस पर हमें फिर से क्लिक करना है। और यहाँ हमें स्लाइड अप करना है। स्लाइड अप करेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे ऐप्स देखने मिलेंगे जो कि इंस्टॉल्ड भी है और प्री इंस्टॉल्ड भी है। अब हमें करना क्या है, जो ऐप टॉप पे हमें दिख रहा है जैसा कि यूट्यूब जो कि ऐप है ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है इंटरनेट को, तो हमें करना क्या है, यूट्यूब पे क्लिक करना है। और बैकग्राउंड डेटा इसका ऑन रहेगा तो हमें इसे कर देना है बंद। सेम इसी तरह से हमें जितने भी नीचे ऐप्स देखने मिल रहे इन पे भी हमें बैकग्राउंड डेटा वाले सेटिंग को बंद कर देना है। जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, इसका हमें बैकग्राउंड डेटा बंद कर देना है। व्हाट्सअप, इसका भी हमें बैकग्राउंड डेटा को बंद कर देना है। सेम इसी तरह से हमें जितने भी ऐप्स देखने मिल रहे हैं उनका बैकग्राउंड डेटा हमें बंद कर देना है। बात करते हैं दूसरे नंबर की सेटिंग की, जो कि है हमारे अबाउट फोन में। अबाउट फोन पर हम क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके बिल नंबर पर सेंड बार टैप करेंगे, जिससे कि हमारे मोबाइल के एडिशनल सेटिंग के डेवलपर ऑप्शन वाली सेटिंग अनेबल हो जाएगी। तो फिलहाल मेरे मोबाइल में सिस्टम के अंदर डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो चुका है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें स्लाइड अप करना है। बाद में हमें देखने मिलेगा ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट जो कि ऑन रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे मोबाइल में सिस्टम अपडेट आएगा तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट हो जाएगा हमारे बिना परमिशन के। और ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट तभी होगा जब आपके मोबाइल में इंटरनेट ऑन रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम अपडेट हो जाएगा, जिससे कि आपके मोबाइल में इंटरनेट जल्दी कंज्यूम हो सकता है यदि आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट 100 या फिर 200 MB का आया है। तो इसीलिए हमें इसे कर देना है बंद। बात करते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग की, जो कि हमें डेवलपर ऑप्शन में देखने मिलेगी। तो स्लाइड अप हमें करना है। जैसे हम स्लाइड अप करेंगे यहाँ हमें देखने मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ हमें नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक करके इसे सेट कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स रहते हैं जो कि इंस्टॉल्ड रहते हैं, तो जो ऐप है जो कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है वो बैकग्राउंड में रन नहीं कर, ये सेटिंग से भी आपके मोबाइल में इंटरनेट कंज्यूम नहीं होगा। बात करते हैं चौथे नंबर की सेटिंग की। तो दोस्तों हम देख सकते हैं हमारे मोबाइल में हम बहुत सारे ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। कुछ ऐप को यूज़ करते हैं तो कुछ ऐप को नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं बैकग्राउंड में भी ऐप्स अपडेट होते रहते हैं हमारे बिना परमिशन के, जिससे कि हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है वो जल्दी कंज्यूम होता है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे हमारे मोबाइल के प्ले स्टोर में, क्योंकि यहाँ से ही हम ऐप और गेम को इंस्टॉल करते हैं। बाद में हमें प्रोफाइल पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, नेटवर्क प्रेफरेंस देखने मिलेगा इस पर क्लिक करना है, और जो ऑटो अपडेट ऐप है इस पर हमें क्लिक करना है। ये ओवर एनी नेटवर्क पे रहेगा तो हमें डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक कर देना है और इसे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इससे होगा ये कि हमारे मोबाइल में हमारे बिना परमिशन के कोई भी ऐप अपडेट नहीं होगा, जिससे कि हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है वो भी कंज्यूम नहीं करेगा और हमारा जो मोबाइल का इंटरनेट है वो भी सेव होगा। तो ये थी दोस्तों हमारे मोबाइल की कुछ सेटिंग्स जिससे कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट कंज्यूम नहीं करेगा। आए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक,
मिलते अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो।